हमारे आज के लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 12 है, इसमें हम हमारे जब तक रूल 1, 2, 3, 4 पढ़े थे उससे आगे हम नियम पांचवा पढ़ रहे हैं, जिसमें अगर इक्वेशन की फॉर्म इस रूप में हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इक्वेशन हमारी वही है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन अगर इस फॉर्म में रखी जा सके कि एक्स रेस्ट टू द पावर ए वाई रेस्ट टू द पावर पी होल मल्टीप्लाई एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस सी रेस टू द पावर एक्स रेस टू द पावर सी वाई रेस टू द पावर टी होल मल्टीप्लाई पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी डी एम एन पी क्यू ऑल आर कॉन्स्टेंट, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा एक्स रेस टू द पावर एल्फा एंड वाई रेस टू द पावर बीटा, वेयर एल्फा एंड बीटा वो जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट से आएंगे, मतलब न्यूमरिक वैल्यूज आएगी, उनकी वैल्यू को यहाँ रख के जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन होगी ये वाली जिसको कि हम इस फॉर्म में लेके आए उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन एग्जैक्ट आइदर इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे आ जाएगा उसके बाद इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट होने की पूरी संभावना होती है। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है कि हम इस क्वेश्चन को पहले अपने जितने भी नियम अभी तक पढ़े उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जो नियम पढ़ा था कि इक्वेशन हमारे पास समघात होनी चाहिए, तो यहाँ चार घात या एक घात या चार घात या एक घात इक्वेशन हमारी नहीं है, एग्जैक्ट सॉरी होमोजीनियस नहीं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स डी एक्स, तो यहाँ से जब मैं निकाल रहा हूँ तो ये फंक्शन ऑफ बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो हम उसके बाद उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि एक्स वाई है यहाँ ओनली वाई है, यहाँ एक्स वाई है यहाँ ओनली एक्स है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई टोटल नहीं बन रहा है। तो अब मैं जो नियम मैंने अभी जो तीसरा चौथा पढ़ा था उसमें मेरे पास क्या था, डेल एम और डेल वाई और डेल एन और डेल एक्स का एक बार माइनस एक बार प्लस के साथ और डिवीजन बाई एक बार एन और एक बार एम के साथ किया था, जिसमें एक बार फंक्शन एक्स का बना था एक बार फंक्शन वाई का बना था और फिर हमने उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था। अब ये इक्वेशन जो है उन चारों मेथड से कोशिश करके देखा नहीं हो रहा है, तो अब हमारे पास इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रखने का क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन को आराम से इसको खोल लेता हूँ, प्लस वाई ऑफ डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई डी वाई माइनस माइनस प्लस का थ्री एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक पद डी एक्स का एक पद डी वाई का चाहिए, ये एक पद डी एक्स का एक यहाँ से डी वाई का, अब मेरे को कौन सा पद चाहिएगा क्योंकि देखिए x की पावर 2 है या x की पावर 3 है और यहाँ y है और यहाँ मेरे पास भी y है, यानी मैं यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर वाई को कॉमन ले लूँ तो क्या मेरे पास इस रूप में समीकरण बन के आ रही है क्या, यानी मैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एक साथ रखता हूँ ठीक है, और रेस्ट ऑफ जो टर्म है मेरे पास वो क्या है, वाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, यही बचा है ना ठीक। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई को अगर कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, टू वाई डी एक्स माइनस या ओनली एक्स बच रहा है डी वाई प्लस एक्स की पावर जीरो और वाई की पावर जीरो लिख सकता हूँ मैं, वाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ये मैंने क्यों लिखा है क्योंकि मुझे पता है इसकी पावर जीरो जीरो वन हो जाएगा, इस इक्वेशन से इक्वेट कर रहा हूँ, हियर ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू टू एम इक्वल टू टू एन इक्वल टू माइनस वन ठीक है, सी एंड डी इक्वल टू जीरो पी इक्वल टू वन एंड क्यू इक्वल टू थ्री, अगर इस इक्वेशन से मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन के आ गई। अब मैंने कहा था अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में बनती है तो इस इक्वेशन का हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने मान लिया एक्स अल्फा एंड वाई बीटा ठीक। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये इस समीकरण का समाकलन गुणांक है गुणक है, तो मैं इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि हमारा क्या नियम क्या कहता है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसे हमारी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या टर्म आएगी, हाँ जी बोलते जाओ, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें अपन इसको, टू एक्स टू प्लस एल्फा
वाई टू प्लस एल्फा वाई पे बीटा नॉट एल्फा, वाई टू प्लस बीटा डी एक्स, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एल्फा वाई बीटा प्लस वन डी एक्स, ठीक है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, टू एक्स वाई डी एक्स, वाई एक्स आ गया, माइनस एक्स थ्री प्लस एल्फा वाई बीटा प्लस वन, माइनस थ्री एक्स अल्फा प्लस वन और वाई बीटा डी वाई इक्वल टू जीरो, डी वाई इक्वल टू जीरो। अब मेरे को ये इस इक्वेशन से जब मैं इसको इक्वेट करूँगा तो ये मेरे पास एम बना, इसका मतलब मुझे इसे किससे पार्शली करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, टू एक्स अल्फा प्लस टू वाई टू प्लस बीटा प्लस एक्स अल्फा वाई बीटा प्लस वन, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे, और इसे मुझे बराबर करना है किसके, माइनस एक्स अल्फा प्लस थ्री वाई बीटा प्लस वन, माइनस थ्री एक्स अल्फा प्लस वन वाई ऑफ बीटा। चलिए विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर मैं इसे पार्शली करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा टू प्लस बीटा, टू पहले का बाहर पड़ा ही है ऑलरेडी, एक्स अल्फा प्लस टू वाई बीटा प्लस वन, एक पावर माइनस में चली जाएगी, प्लस प्लस बीटा प्लस वन एक्स अल्फा वाई बीटा ओनली, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करें, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस अल्फा एक्स रेस टू द पावर अल्फा प्लस टू वाई बीटा प्लस वन, और ये माइनस टोटल भार था क्या, माइनस टोटल भार था तो ये आ जाएगा प्लस प्लस, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा थ्री अल्फा प्लस वन एक्स रेस टू द पावर अल्फा वाई रेस टू द पावर बीटा, ठीक है, अभी देख लेते हैं हमारे पार्शियली सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम ये कहते थे कि जब हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो हम कहते थे डेल एम और ये, मतलब एग्जैक्ट होने के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स होनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर ये जो टू और इक्वेशन नंबर थ्री, इन दोनों को मैं इक्वेट करूँ तो मेरे पास अल्फ़ा बीटा निकल के आएंगे। तो चलिए मैं इक्वेट करने की कोशिश करता हूँ, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, देखिए मेरे पास आ रहा है ये इन दोनों को इक्वेट करते हैं अपन, इन दोनों को इक्वेट करने का मतलब है कि आपके पास टू टू प्लस बीटा एक्स अल्फा प्लस टू वाई बीटा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन एक्स अल्फा वाई बीटा इक्वल टू, नेक्स्ट नीचे क्या है, माइनस थ्री अल्फा थ्री प्लस अल्फा, माइनस थ्री प्लस अल्फा एक्स रेस टू द पावर अल्फा प्लस बीटा वाई बीटा प्लस वन प्लस थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस वन एक्स अल्फा वाई बीटा इक्वल टू जीरो, नहीं, इन दोनों को हमने इक्वेट किया। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स रेस टू द पावर अल्फा प्लस टू वाई बीटा प्लस वन, ये तो अब आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, मैं इक्वेशन वापस लिख दूंगा, ओरिजिनल इक्वेशन आपके वापस लिख देंगे अपन। तो देखिए मैं जब इन दोनों के कोफिशियंट को इक्वेट करता हूँ तो ये आता है टू टाइम्स ऑफ टू प्लस बीटा बराबर किसके आ रहा है, माइनस थ्री प्लस अल्फा के, इन दोनों के इसको इक्वेट किया, फिर यहाँ से मैंने इक्वेट किया एक्स रेस टू द पावर अल्फा वाई रेस टू द पावर बीटा के कोफिशियंट को, दिस इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, टू बीटा और माइनस अल्फा, तो अल्फा को इधर ले जाऊँ तो मेरे पास आ जाएगी अल्फा प्लस टू बीटा प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, माइनस का प्लस होकर चला जाएगा,
और इधर से क्या आ रही है इक्वेशन, 3 अल्फा माइनस बीटा, या गलती कर रहे हैं, या कुछ आना चाहिए था एक्स्ट्रा टर्म, 3 अल्फा है ना, 3 अल्फा है, पूरा पूरा 3 अल्फा है, 3 अल्फा माइनस बीटा, और ये 3 है तो ये प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो अब सही हो गया क्या, ये दो इक्वेशन ऐसे आएगी, ठीक है। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी। मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर रखा है, तो अल्फा इक्वल टू आ रहा है माइनस का 11/7, और बीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है -19/7। इसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके सेटिस्फाइड कर लेंगे। ये अल्फा बीटा जो मेरे पास अब आए, इसका मतलब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, एक्स रेस टू दी पावर जो अल्फा लिखा था यानी 11/7, और वाई रेस टू दी पावर बीटा मतलब 19/7। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मेरी ओरिजिनल वाली जो इक्वेशन थी उससे मेरे को इसे मल्टीप्लाई करना है। मेरी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है उसको मैं वापस लिखूंगा, और ओरिजिनल इक्वेशन को लिखने से पहले मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अलावा पूरा बोर्ड साफ करता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई जो करना है वो यही है, क्योंकि उसके बाद वापस हम इसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है जरा देखें, इक्वेशन है मेरी 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस 3x डी वाई, यही थी शायद इक्वेशन। इसको मल्टीप्लाई मुझे इससे करना है, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2x रेस टू दी पावर ये प्लस ये आ जाएगा 7 × 14 = 11 गए तो ये हो जाएगा 3/7, तो प्लस का, और y में कितना आ जाएगा माइनस का 5/7, 7 × 14 और ये 19 है ना, 5/7 आ जाएगा। सिमिलरली x, x का तो वही आएगा माइनस का 11/7, y में एक पावर है तो ये आपके पास प्लस 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस का 12/7, वाई रेस्ट टू द पावर माइनस 12/7 डी एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो गया x 3 प्लस ये तो 21, तो ये कितना आपके आपके पास आ जाएगा वाई क्यूब है ना, चलो बोलो कितना आएगा प्लस का 10/7, 21 हो गया ना, 7 + 21 में से 11 गए तो 10/7, और वाई जो है वो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 12/7, 12 और 7 19 हो गया ना, माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स में से माइनस कर दो वापस आप तो ये हो जाएगा माइनस का 4/7, और वाई की वैल्यू हो जाएगी 19/7 जो हमारे पास ऑलरेडी है, डी वाई इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई कर दिया, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को भी मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब मैं देखता हूँ वापस से इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या, इस इक्वेशन को मुझे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 2x रेस टू द पावर 3/7 वाई ऑफ माइनस का 5/7 प्लस एक्स रेस टू द पावर 11/7 और वाई रेस टू द पावर 12/7, ठीक है। सिमिलरली डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्या करना है मुझे, माइनस का एक्स रेस टू द पावर 10/7 वाई रेस टू द पावर 12/7 माइनस माइनस प्लस 3x रेस टू द पावर माइनस का 4/7 वाई रेस टू द पावर 19/7, इन दोनों की वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर ये दोनों बराबर आता है तो इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट होगी। चलिए हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, डेल एम और डेल वाई, तो यहाँ से बस क्या जाएगा वाई तो माइनस का 5 माइनस 5 × 10/7, एक्स तो ऐसा सच ही रहेगा 3/7, और वाई में से दिस माइनस 1 होता है तो माइनस का 12/7 माइनस का 12/7। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा माइनस का 12/7 तो पहले ही बाहर आ गया, एक्स रेस टू दी पावर 11/7 और माइनस का 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा वाई रेस टू दी पावर 19/7, ठीक है ना, एक पावर कम हो जाएगी डिफरेंशियल होने में। और यहाँ पर माइनस का 10/7 बाहर आएगी ना एक टर्म, और ये माइनस 1 होगा तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू दी पावर 3/7 वाई रेस टू दी पावर माइनस 12/7, और ये आपके यहाँ आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ये कर रहे हैं ना अपन, तो चारती है 12 माइनस का 12/7 एक्स रेस टू दी पावर माइनस 1 होएगी तो ये आपके यहाँ हो जाएगा 7 और 4 = 11 माइनस का 11/7 और वाई आपके एस सच रहेगा। तो दोनों इक्वेशन से मुझे एल एच एस दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल दिख रहे हैं, हेंस
डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स हो गया, दैट इज इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया, हेंस द सॉल्यूशन इज वाई को कांस्टेंट रखिए एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स। एम आपके पास क्या चीज़ है, एम आपके पास ये पूरा है, तो ये देखिए मैं पूरा लिख देता हूँ, वाई को कांस्टेंट रखते हुए मुझे इंटीग्रेट करना है, टू एक्स रेस टू द पावर 3/7 वाई रेस टू द पावर 5/7 प्लस एक्स रेस टू द पावर माइनस का 11/7 वाई रेस टू द पावर 12/7 डी ऑफ एक्स प्लस एम में मुझे सॉरी एन की वो टर्म लिख रहे हैं जिसमें एक्स नहीं होता है, सारी की सारी है, तो ये तो आपके पास 0 ऑफ डी वाई इक्वल टू सी, यानी मेरे को ये पहला वाला इंटीग्रल ही सॉल्व करना है। चलिए पहले वाले इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं अपन, आगे से इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए इंटीग्रल कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो इंटीग्रल हम इसका करते हैं, तो हमारे पास क्या टर्म आती है, पहला वाला इंटीग्रल ही करना है, दूसरा वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑलरेडी आ रहा है और 3/7 है, इसमें एक जुड़ती है घात, तो ये 2 आपके पास है, वाई रेस टू द पावर माइनस 5/7 है और एक्स की पावर ये हो जाएगी प्लस 1, तो 7 और 3 10, 10/7 और डिवीजन बाय 10/7, ठीक है पहला इंटीग्रल हो गया। चलिए दूसरा करते हैं प्लस, अब आपके पास है ये, तो यहाँ पर आपके पास होगी प्लस 1, तो ये माइनस का 4/7, तो यहाँ पर y तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 12/7 और x जो है वो आ जाएगा माइनस का 4/7 और ये माइनस 4/7 से डिवाइड भी होगा, दिस इज इक्वल टू सी। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 7/5, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, 7/5 x रेस टू द पावर 10/7 y रेस टू द पावर 5/7 और ये माइनस ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/4 y रेस टू द पावर माइनस 12/7 x रेस टू द पावर माइनस 4/7 इक्वल टू सी, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एग्जाम में पहले तो क्वेश्चन पहचानना होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कहने में आसान है, वहाँ जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो सारे एक टाइप के आ जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला मेथड आपको वहाँ लगाना है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को पहचानने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और फिर उसके बाद कौन सा नियम आपको उसमें, कौन सा रूल लगाना है या कौन सा मेथड आपको उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का चैप्टर खत्म हो गया है, जिसमें आपको मैंने एग्जैक्ट इक्वेशन बताई, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस बताई, और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, और फिर बर्नौली इक्वेशन बताई थी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ी सी अलग थी, और उसके बाद ये फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं उसमें एक आपको बाय इंस्पेक्शन बताया था, और फिर ये 5 नियम और हैं जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपके पास होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री।